everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss about John Taylor distortion. इससे पहले हमने coordination chemistry में discuss किया था about the application of CFT और जितना भी हमने coordination chemistry cover कर लिया है उन सभी videos का link आपको description में मिल जाएगा. So आज की video में हम cover करेंगे John Taylor distortion, then उसमें हम cover करेंगे tetragonal elongation, tetragonal compression, then strong John Taylor distortion, weak John Taylor distortion, then we will also discuss about the dynamic and static John Taylor distortion और end में हम discuss करेंगे consequences of John Taylor distortion. So let's start. Octahedral complex, कोई भी अगर metal जो है complex है, अगर octahedral geometry में होता है, जैसे कोई भी metal है उसकी octahedral geometry है, अगर उनकी सारी bond length equal है, if all the bond lengths are equal, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, लेकिन अगर उनकी बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर किसी भी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है, इफ बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्वल, तब हम उसमें क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल, कि उसमें क्या आ गई है, John Taylor distortion. मतलब कि अगर bond length उनकी सभी bond length जो है वो equal नहीं है, वो क्यों आती है, उसको हम बोलते हैं John Taylor distortion. अब इसका reason क्या है, क्यों आती है, अगर तो इसको हम बोलते हैं ये है x axis, ये बोलते हैं y axis, ये पूरी जो है, और ऐसे करके हम उसको बोलते हैं x axis, और ये ऊपर वाली जो है उसको हम बोल देते हैं z axis. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन ऑल द एक्सिस, सेम ऑन ऑल द एक्सिस, तब हम उसको वो क्या बनाएगा, उनकी सारी बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल होएंगी. ठीक है, और वो होगा परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल. अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम नहीं है, if electrons are not same on all the axes, तब वो क्या हमें शो करेगा, John Taylor distortion. ठीक है, कि सभी एक्सिस पे जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम ना होने की वजह से वो हमें क्या शो करता है, John Taylor distortion. अब John Taylor distortion में क्या होता है, ये वाला मैंने सारा लिखा हुआ है जिसको हम थोड़ी ही देर में डिस्कस करेंगे. पहले, उससे पहले सीएफटी के अकॉर्डिंगली जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, सीएफटी मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो, तो आपको अच्छे से, ज्यादा अच्छे से क्लियर आएगा. अगर आपको सीएफटी का आइडिया है तो आप देख सकते हो. आप सीएफटी के अकॉर्डिंगली कोई भी, हमारे पास 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 d ऑर्बिटल्स है ना, जो कि है डीजेनरेट, डीजेनरेट समझते हो, जिनकी एनर्जी जो है वो क्या है, सेम है. अब जब भी कोई लिगेंड अप्रोच करता था ड्यू टू सम रीजन दैट वी हैव डिस्कस इन सीएफटी, सो इनकी जो डीजेनरेसी थी वो क्या हो जाती थी, ब्रेक हो जाती थी. मतलब ये अब सभी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम ना होके वो ब्रेक कर गई है. 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, राइट, ऐसे जो है वो ब्रेक कर जाती थी, राइट. अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करूं ऐसे करके, अब आप देख सकते हो ये वाला जो होता था dxy, dyz, dzx, और ये वाला है dx2 y2 और dz2. अब आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन जो है सभी ऑर्बिटल्स में क्या है, सेम है, सभी एक्सिस पे, dx2 y2 पे भी, dz2 पे भी, ये सभी एक्सिस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सेम है. तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल. मतलब इसमें हमें John Taylor distortion जो है वो नहीं देखने को मिलेगी. अब मैं सेकेंड केस डिस्कस करती हूँ. इसमें मैंने क्या लिखा था, D5 कॉन्फ़िगरेशन ली थी जो कि हाई स्पिन. होप सो आपको ये सारी टर्म्स का मतलब पता है, ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, राइट. अब मैं नेक्स्ट लेती हूँ जिसमें मैंने लिया है D9
और आई कैन से ओके डी फोर समथिंग लाइक दिस हाई स्पिन, मैंने एक डी फोर हाई स्पिन लिया। अब क्या होगा, ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट करेगा ऐसे करके, सेम फाइव ऑर्बिटल्स हैं जो कि स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे दो हैं और यहाँ पे तीन हैं, ठीक है, डी फोर है हाई स्पिन, ऐसे कॉन्फिगरेशन फिल होएगी। अब इनमें तो सारी जो एनर्जी, सारे ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, सेम है ना, यहाँ पे डी एक्स वाई पे भी, डी वाई जेड पे भी, डी जेड एक्स पे भी सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। ये पहले भी डीजनरेट थे, अब भी डीजनरेट है, डीजनरेट मतलब सभी की एनर्जी जो है वो सेम है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखोगे, इसको मैंने कंसिडर किया कि ये डी जेड स्क्वायर है और ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। अब क्या होगा, अब आप देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, यहाँ पे डी जेड स्क्वायर पे इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है ना, डी एक्स जेड स्क्वायर के भी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के भी, इन दोनों की एनर्जी सेम है। पर क्या हुआ है, डी जेड स्क्वायर पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वेरस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इनकी एनर्जी कैसे सेम हो सकती है कि एक एक्सिस पे तो इलेक्ट्रॉन है दूसरे पर नहीं है, तो इस वजह से क्या होगी, जॉन टेलर डिस्टोर्शन, मतलब कि अब ये दोनों ऑर्बिटल्स अपने सेम लेवल पे नहीं रह सकते, इनकी एनर्जी जो है वो सेम नहीं हो सकती। रीजन इज कि एक के पास तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं है। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल और आयन इनटू इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट इज अनस्टेबल। क्यों, अब ये अनस्टेबल क्यों हुए, डीजनरेट है ये, बट इट इज अनस्टेबल। अब क्या होगा, इट विल अंडरगो सम सॉर्ट ऑफ डिस्टोर्शन, अब डिस्टोर्शन होगी, मतलब ये दो एनर्जी लेवल अब क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, सम सॉर्ट ऑफ डिस्टोर्शन टू लोअर इट्स एनर्जी। एक ऑर्बिटल अपनी एनर्जी लोअर कर रहा है और एक हाई, तो इनकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो कम ही होती है एज कंपेयर टू दिस सिस्टम, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ डिस्टोर्शन टू लोअर इट्स एनर्जी टू रिमूव इट्स डीजनरेसी। अब ये डीजनरेट नहीं रही, अब इनकी जो डीजनरेसी है वो क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है, एंड लोअर द सिमेट्री, सिमेट्री लोअर मतलब अब जो पहले उनका परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होता था वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं रहा। अब इनकी जो बॉन्ड लेंथ है सभी, मतलब जो हमारे पास मेटल बनता है जैसे ये ए, अब इनकी सभी की बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम नहीं होगी। ओके, समझ आ गया कि जॉन टेलर डिस्टोर्शन क्यों आता है। अब यहाँ पे मैंने एक केस डिस्कस किया कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, इसमें भी आगे हमारे पास दो केसेस पॉसिबल है। एक तो पॉसिबल है कि डी जेड स्क्वायर के पास इलेक्ट्रॉन हो, सेकंड केस क्या पॉसिबल है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के पास इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। अब मैं आपको थर्ड केस दिखाती हूँ, क्या है, मान लो हमारे पास है डी वन हाई स्पिन या लो स्पिन, दोनों की सेम ही कॉन्फ़िगरेशन होगी, फाइव डी ऑर्बिटल्स हैं जो कि स्प्लिट करेंगे, नीचे तीन आएंगे और नीचे ऊपर दो आएंगे। अब ये यहां पे इसको हम बोलते हैं टी टू जी, इसको हम बोलते हैं ई जी। अब ये जॉन टेलर डिस्टोर्शन, अब इलेक्ट्रॉन अनइवन किसमें है, ई जी में, ठीक है, ईजी में है। इस केस में क्या है, अब ये भी जॉन टेलर डिस्टोर्शन जाएगा, ठीक है ना, इस केस में जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में डिफरेंस है टी टू जी लेवल पे, ठीक है, इस केस में कहाँ पे है, ईजी लेवल पे, ठीक है, इसमें ईजी लेवल पे जो ऑर्बिटल्स है उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग है, इसमें क्या है जो टी टू जी लेवल पे है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ट्रिपली डीजनरेट, ठीक है, और ये इसको हम बोलते हैं डबली डीजनरेट, क्या बोलते हैं, डबली डीजनरेट।
फाइन। अब ये जो दोनों लेवल में जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, इसमें T2g में है, इसमें Eg में है, इनमें जो होती है T2g लेवल वाले में क्या होती है, वीक डिस्टोर्शन। अब इसकी वजह से जो ज्योमेट्री में डिस्टोर्शन आएंगी वो क्या होंगी, वीक होंगी, और ये हमें क्या शो करता है, स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, T2g वाले में वीक क्यों है और इसमें Eg वाले में स्ट्रॉन्ग क्यों है? इसका रीजन होता है कि जो Eg ऑर्बिटल्स है, जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, मैं इसको रब कर रही हूँ, इसका रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन और वीक डिस्टोर्शन का पता लग गया कि किस कब स्ट्रॉन्ग होगी कब वीक होगी। जब ट्रिपलेट डीजनरेट है, ट्रिपलेट डीजनरेट मैंने आपको बताया ना, तब होगी वीक डिस्टोर्शन, वेयरएज जब डबलेट डीजनरेट है तब होती है स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन। फाइन, अब ऐसा क्यों होता है, जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, हमने क्या बोला था कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है और ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड्स है वो कैसे अप्रोच करते हैं, लिगेंड अप्रोच करते हैं बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं। इसीलिए जो ईजी, जो हमारी जो स्प्लिटिंग है वो कैसे होती है, ईजी ऊपर जाता है और T2g नीचे जाता है, राइट? क्योंकि जो ईजी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं, वो ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं, इसलिए वो ऊपर जाते हैं और T2g नीचे जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इलेक्ट्रॉन ईजी लेवल में डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल्स में, तो वो रिपल्शन ज्यादा फील करेंगे एज कम्पेयर टू T2g लेवल, जो कि लिगेंड के बिटवीन द, जो लिगेंड जिसमें अप्रोच कर रहा है, जैसे कि बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहा है, वहीं पे है ये लिगेंड्स भी, ये ऑर्बिटल्स भी, इसलिए ईजी को ज्यादा इफेक्ट फील होता है एज कम्पेयर टू T2g। सो ईजी जो शो करता है वो शो करता है स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन, वेयर एज जो T2g शो करता है वो क्या करता है, वीक डिस्टोर्शन। फाइन, और हम इसको ये भी बोलते हैं स्लाइट डिस्टोर्शन, बहुत कम डिस्टोर्शन शो करेगा। अब मैं आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन की एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमने मान लो मैंने कंसीडर किया D7 हाई स्पिन, कुछ एग्जांपल D7 हाई स्पिन, इसमें कैसे फिलिंग होगी, नीचे तीन लेवल आएंगे ऊपर दो आएंगे, हाई स्पिन है तो पेयरिंग जो है वो नहीं होगी, तो ये क्या है, ट्रिपली डीजनरेट, ट्रिपली डीजनरेट है ना, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी ऑर्बिटल्स में T2g लेवल पे क्या है, सेम नहीं है, जिसकी वजह से ये डिस्टोर्शन शो करेगा। ये ट्रिपली है तो ये शो करेगा वीक डिस्टोर्शन। और अगर मान लो मैंने लिया D9, D9 लो स्पिन लिया या हाई स्पिन लिया, सेम ही आएगा। सो D9 कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, कॉपर 2+। हम मेनली डिस्टोर्शन इन्हीं कॉपर के कंपाउंड्स में बेसिकली हमें ज्यादा देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे कॉपर और यहाँ पे है तीन और यहाँ पे है दो, राइट? सो मैंने 9 फिल करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों ऑर्बिटल्स के ईजी वाले में सेम नहीं है, ईजी वाले में सेम ना होने की वजह से ये क्या शो करता है, स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन। ठीक है, क्या शो करता है, स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन। फाइन, अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन के केस वाले में ही बात करेंगे, ईजी वाले में। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे D9 कंसिडर किया, ठीक है, और इसके है 5 लेवल्स, यहां पे 3 ऊपर 2, दो में यहां पे मैंने लिखा DX² Y² और DZ², सेकंड सेम, यहां पे 3 है और ऊपर 2 है, और यहां पे मैंने लिखा DZ² और DX² Y², राइट? अब मैंने 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने स्टार्ट किए, 6 फिल हो गए, 7 8 9, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फाइन, अब
केसेस हमारे पास आ रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, मतलब जिसमें डिस्टोर्शन हो ईजी ऑर्बिटल्स में, राइट। अब इसमें देखो, अब जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और यहाँ पे किसमें है डी जेड स्क्वायर में, ये भी दो केसेस हमारे आगे अराइज हो गए जिसमें इन दोनों में से जो डी जेड स्क्वायर में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो सकती है और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी हो सकती है, फाइन। अगर डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको हम बोलते हैं टेट्रागोनल, इसकी वजह से आएगा टेट्रागोनल इलोंगेशन, वो क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, और यहां पे आएगा टेट्रागोनल कंप्रेशन, फाइन। टेट्रागोनल इलोंगेशन मतलब मैंने यहां पे कंसिडर किया ऑक्टाहेड्रल जिसके सिक्स लिगन लगे हुए हैं, अब इसके जो जेड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो है ज्यादा है, मान लो ये जेड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्स एंड वाई, राइट। अब क्या होगा, लिगेंड अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इनके जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ए ए की जो बॉन्ड लेंथ है इस केस में इलोंगेशन में क्या है, जेड एक्सिस की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, इंक्रीज हो जाती है, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है और ये वाले जो बॉन्ड है इनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। अब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी जेड एक्सिस की तरफ, फाइन, इसलिए इसको बोलते हैं इलोंगेशन। होता क्या है इसमें, कैसे प्रॉपर स्प्लिटिंग है, कैसे एनर्जी लेवल ब्रेक होते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास फाइव लेवल्स थे, ये ब्रेक किया टू में और थ्री में, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे सी जेड स्क्वायर में है और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। ड्यू टू अन इवन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बोथ द ऑर्बिटल्स, अब ये जो है वो क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, मान लो ये ब्रेक कर गया ऐसे और ऐसे ऊपर। अब क्वेश्चन आता है कि नीचे डी जेड स्क्वायर आएगा या ऊपर डी जेड स्क्वायर आएगा, मतलब एनर्जी किसकी कम होगी। मैंने क्या बोला है, ये है टेट्रागोनल इलोंगेशन, इसमें जेड एक्सिस पे जो बॉन्ड है वो क्या है, इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे मेटल है ये वाली बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और ये वाली बॉन्ड लेंथ ऐसे हो जाता है। तो क्या होता है, जब लिगेंड अप्रोच करता है इसकी बॉन्ड लेंथ ऑलरेडी इंक्रीज है और मोर ओवर इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या है, ज्यादा है इन ऑर्बिटल्स के, तो लिगेंड खुद ही दूर दूर रहता है, काफी दूर दूर रहता है। जब इन दोनों इनकी तरफ लिगेंड अप्रोच करता है एक्स और वाई एक्सिस की तरफ, तो इनकी बॉन्ड लेंथ छोटी होने की वजह से लिगेंड जो है वो ज्यादा रिपल्शन फील करता है, ठीक है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन और लिगेंड का रिपल्शन है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इन वाले ऑर्बिटल्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और लिगेंड जो अप्रोच करते हैं। रीजन इज इनकी बॉन्ड लेंथ लंबी हो चुकी है, लॉन्ग बॉन्ड लेंथ है जिसकी वजह से रिपल्शन जो है वो कम फील होती है, ठीक है। तो इस वजह से जो डी जेड स्क्वायर का जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और एक्स और वाई में रिपल्शन ज्यादा है तो इनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है, तो ऐसे आएगा, फाइन। और ये वाला तो हमारा ये वाला कैसे स्प्लिट हो जाता है, इसमें क्या होता है डी वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड और डी एक्स वाई, ऐसे होता है ना, एक्स जेड वाई जेड और एक्स वाई, राइट। इसमें क्या है डी एक्स वाई वाले जो है उनकी एनर्जी जो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है डी एक्स वाई वालों की, और ये वाला डीजनरेट रहते हैं डी वाई जेड और डी एक्स जेड। तो जो अगर टेट्रागोनल कंप्रेशन के केस में ऑर्बिटल्स की एनर्जी ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो वो होगी डी वाई सबसे ज्यादा आएगी, तो सबसे ज्यादा आएगी एनर्जी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, उसके बाद आएगी डी जेड स्क्वायर की, फिर आएगी डी एक्स वाई की, देन आएगी डी एक्स वाई जेड और वाई जेड की, ठीक है, ऐसे एनर्जी आएगी, राइट। सो ये हो गया फेस टेट्रागोनल कंप्रेशन इलोंगेशन का।
अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो उसमें अलग होगा, कंप्रेशन के केस में अब इलेक्ट्रॉन जो है वो डी जेड स्क्वायर में ना होके किसमें होंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में होंगे। ठीक है, और सेम यहां पे हाई एनर्जी किसकी होगी, डी जेड स्क्वायर की, और यहां पे किसकी होगी, अब सभी ऑपोजिट हो जाएगा ना पहले वाले से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, फाइन। और यहां पे एक ऑर्बिटल होएगा, अब ये वाली एनर्जी ऑर्बिटल नहीं रहेगा, यहां पे आएंगे दो और यहां पे आएगा एक। ऐसा क्यों आया ये भी मैं आपको बताऊंगी, फाइन। अब ऐसा क्यों हुआ, टेट्रागोनल कंप्रेशन में क्या होता है, हमारे पास एक मेटल है उसके क्या लगे हुए हैं ऑर्बिटल्स, लिगेंड्स लगे हुए हैं। अब क्या होगा, इन ऑर्बिटल्स, इन ये वाली बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी और ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएंगी, फाइन। सेम वही चीज होगी, ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड की रिपल्शन है इस केस में क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ये वाले वाले केस में, फाइन। इस वजह से इनकी जो एनर्जी है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी है वो कम हो जाएगी डी जेड स्क्वायर से, और सेम विद दिस कि एक्स वाई की जो एनर्जी है वो कम होएगी, ठीक है, देन डी वाई जेड और जेड एक्स। अब इस केस में भी ऐसा ही होगा, डी वाई जेड और जेड एक्स की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि जेड एक्स इस बीच में इंक्लूड हो रही है और डी एक्स वाई की कम हो जाएगी, फाइन। अब इसको इसके अब ऑर्बिटल्स की एनर्जी दिखे तो टेट्रागोनल कंप्रेशन को सेट आउट सेट इन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेट इन, ठीक है। और इसमें एनर्जी होगी कैसे होगी, डी जेड स्क्वायर की सबसे ज्यादा, देन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, उसके बाद आएगी डी वाई जेड और जेड एक्स की, उसके बाद आएगी डी एक्स वाई की, फाइन। अब ये होने के बाद अब हमने एनर्जीज भी लिख दी कैसे होगी कंप्रेशन के केस में और इलोंगेशन के केस में, राइट। अब जो मेनली जो केस अब्सॉर्ब किए जाते हैं वो कौन सा होते हैं, टेट्रागोनल इलोंगेशन, कंप्रेशन इतना एग्जिस्ट नहीं करता। इलोंगेशन की सबसे पहले एग्जांपल होती है कॉपर अमोनिया 6, और इलोंगेशन में क्या होता है उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है एज कंपेयर टू कंप्रेशन। द रीजन इज, अब इसका क्या रीजन है, इसमें क्या हो रहा है, दो बॉन्ड हो रहे हैं और चार बॉन्ड सेम रह रहे हैं, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है कि दो बॉन्ड शॉर्टर हो रहे हैं और चार बॉन्ड लॉन्ग हो रहे हैं, तो इसमें टू बॉन्ड्स जो है वो वीक हो रहे हैं और इसमें कितने बॉन्ड्स वीक हो रहे हैं, फोर बॉन्ड्स वीक हो रहे हैं कंप्रेशन के केस में, ये क्या है, इलोंगेशन, ठीक है। इसको हम जेड आउट भी बोलते हैं और इसको जेड इन बोलते हैं, राइट। इसको जेड आउट, इसको जेड इन, इसमें फोर बॉन्ड्स वीक होते हैं, इसमें टू बॉन्ड्स वीक होते हैं, मेनली हमें इलोंगेशन देखने को मिलता है। कॉपर अमोनिया 6 2 पॉजिटिव, ठीक है, ये भी क्या शो करेगा, इलोंगेशन शो करेगा, फाइन। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टोर्शन एंड डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टोर्शन। मैंने आपको बताया था कि दो तरह की डिस्टोर्शन होती है, पहले स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन और वीक, राइट। तो स्टैटिक क्या होती है, मतलब दैट इज ऑब्जर्व, दो तरह की डिस्टोर्शन होगी, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक मतलब जो कि ऑब्जर्व हो अंडर ऑल द कंडीशन, ठीक है, अंडर ऑल द कंडीशन
इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये नहीं है कि अभी होगी कभी नहीं होगी, तो ये पक्का होगी। जैसे कि हम किस केस में होती है स्टैटिक जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन, अगर हम कहें अगर कोई भी ऑर्बिटल क्या है डबली डीजनरेट है, मतलब ई टू जी की लेवल में होती है, और जिसको हमने क्या बोला था स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन भी बोला था। ठीक है, वी डायनेमिक, जैसे कि जो भी ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं टी टू जी लेवल पे, अगर उनमें अनइवन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे कि ट्रिपली डीजनरेट था जिसको हमने वीक डिस्टॉर्शन बोला था, उस केस में क्या होता है, जिसको हमने क्या बोला था वीक डिस्टॉर्शन, उस केस में होती है डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। डायनेमिक मतलब ये किसी कंडीशन में हमें शो करेगा, किसी कंडीशन में ये नहीं शो करेगा। फाइन, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इसमें क्या होएगा, बोथ इलोंगेशन एंड कंप्रेशन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इलोंगेशन भी होगी सेम टाइम पे और कंप्रेशन भी होगी, तो वी कैन नॉट जज दिस जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। फाइन, उसके बाद आता है ये वाली जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को, जो डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है इसको हम एग्जिस्ट करती है एट फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब एट लोअर टेम्परेचर पे ही हम इसको वी कैन से एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ये वाली डिस्टॉर्शन एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के, यही इंपॉर्टेंट है। जो कॉपर प्लस टू के कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये हमें शो करते हैं ये लबाइल होते हैं। लबाइल क्यों होते हैं, हमने अभी कॉम्प्लेक्स देखा कॉपर अमोनिया सिक्स टू पॉजिटिव का, इसमें क्या होती है दो बॉन्ड लेंथ्स बड़ी होती है और दो क्या होती है छोटी होती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं लबाइल हो जाते हैं। इसका हम आगे पढ़ेंगे जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कि लबाइल क्या है। लबाइल वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि लबाइल मतलब ये जो अमोनिया है वो इजिली एक्सचेंज हो सकते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लबाइल। तो ये स्टेबल भी, सेम टाइम लबाइल भी होता है और ये स्टेबल भी होता है। लबाइल का स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये हम सारा डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर में रिएक्शन मैकेनिज्म जब हम स्टडी करेंगे। तो ये जो है वो स्टेबल भी है, रीजन इज जब हमने बोला था इसके ऐसे ऑर्बिटल ब्रेक करता है, तो यहाँ पे ऐसे था तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो जाते हैं ब्रेक कर जाते हैं आगे फर्दर लेवल्स पे। तो ये जो था वो डी जेड स्क्वायर आ गया और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, यहाँ पे दो थे यहाँ पे एक थे। अब आप देख सकते हो इसकी एनर्जी जो है वो सिस्टम की डिक्रीज हो जाती है, और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में हमने यही बोला पढ़ा था स्टेटमेंट में, जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है, और सिस्टम थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाता है व्हेन इट लूजेस इट्स डीजनरेसी। ठीक है, इसलिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जाती है, तो ये इसको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है वो है अगर मैं ये वाला कॉम्प्लेक्स लिखूं, ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है अनस्टेबल है। इसका क्या रीजन है व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल, ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, इन वाला जो लिगेंड है वो होता है ये, इसमें NH2 ये दो CH2 डाइथाइल अमाइन होता है, एथाइलीन डाइमीन होता है, ये होता है ये वाला लिगेंड। फाइन, ये होता है
ड्यू टू जॉइंट टेलर डिस्टोर्शन ये वाली बोन लेंथ जो है वो क्या होंगी, बड़ी होंगी, ठीक है, ये वाली जो बोन लेंथ है वो क्या होंगी, बड़ी होंगी एज कम्पेयर टू इस ये वाली बोन लेंथ से, ये वाली बोन लेंथ क्या होंगी, बड़ी होगी इस बोन लेंथ की वजह से, इस बोन लेंथ से, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा, ठीक है ना, कि रिंग का एक तरफ से ये बड़ी हो, ये रिंग ऊपर से ये वाले दो बॉन्ड जो है वो स्मॉल हो, जिसकी वजह से ये वाला जो सिस्टम है वो काफी अनस्टेबल बन जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेन, मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, जो गोल्ड है वो क्या जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन फ्रैक्शन, ये AU टू पॉजिटिव, AU वन पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल, इट अंडरगो इट इज AU सॉरी बोल दिया जो AU टू पॉजिटिव होता है वो स्टेबल नहीं होता, वो क्या होता है, AU पॉजिटिव प्लस AU थ्री पॉजिटिव, राइट। अब इसका रीजन क्या है, इसका क्या रीजन है, ये जो AU टू पॉजिटिव है वो स्टेबल ना होकर क्या स्टेबल है, AU पॉजिटिव या AU थ्री पॉजिटिव, इसका रीजन हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, फाइन। जो AU टू पॉजिटिव होते हैं इनका इनमें जो ये कौन से डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें 5D होते हैं, ठीक है, 5D होते हैं, और कॉपर टू पॉजिटिव में क्या होता है, 3D होता है, राइट। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3 और ऊपर 2, ठीक है, तो इसका भी DZ स्क्वायर में और DX स्क्वायर Y स्क्वायर में एक होगा, राइट। अब ये ब्रेक करेगा किसमें, ऐसे ब्रेक करेगा, है ना, ऐसे ब्रेक होने से क्या होगा, सॉरी नीचे DZ स्क्वायर आएगा, ऊपर DX स्क्वायर Y स्क्वायर आएगा, ओके। अब DZ स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब DX स्क्वायर Y स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन होएगा, जैसे हमने पहले कॉपर प्लस टू में देखा है, पर इनका जो एनर्जी गैप है वो काफी ज्यादा होएगा एज कंपेयर टू कॉपर टू पॉजिटिव। अगर कॉपर टू पॉजिटिव में गैप इतना था, इनमें एनर्जी गैप जो है वो काफी ज्यादा होएगा। रीजन इज जैसे जैसे डी ऑर्बिटल्स बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे जो एनर्जी गैप है वो क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। 3D में 4D का उससे ज्यादा होएगा और 5D का उससे ज्यादा होएगा। इन गैप ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, या तो AU पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, मतलब ये ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, और ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में चेंज हो जाता है, स्क्वायर प्लैनर से ऑक्टाहेड्रल में चेंज हो जाता है, और ये क्या करता है, ये अपना ये भी इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ये किसमें चेंज हो जाता है, AU थ्री पॉजिटिव में, ठीक है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि लेवल्स बहुत बड़े हाई लेवल पे है, ठीक है, इसका लुमो हाई लेवल की वजह से ये इजिली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और ये AU पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। और क्या होता है, ये अपना इजिली एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है और चेंज हो जाता है AU थ्री पॉजिटिव में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।